हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हम लोग आज की वीडियो में इसी चीज को डिटेल में जानेंगे। भाई छोटा सा टॉपिक है लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। तो यार चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग कि ये बुलविप इफेक्ट जो है वो सप्लाई चेन में क्या मतलब होता है उसका, ठीक है। तो यार वीडियो लास्ट तक देखना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट तक देखना यार, वीडियो का कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाएगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब है क्या भाई बुलविप का क्या मतलब है? भाई विप यानी कि वो छड़ी, एक तरीके से होता है ना जिससे बुल को आप मारते हो, ठीक है, वो बुलविप एक तरीके से जो कहते हैं ना कि यार जो आप घोड़े को चाबुक की नोक पे आप थोड़ा सा वो कर रहे हो, तो वैसे ही बुलविप है कि भाई जिससे आप बुल को आप दौड़ाते हो कि भाई चलो चलो ऐसे टाइप से, ठीक है, वो बुलविप होता है, ठीक है। बुलविप इफेक्ट क्या होता है भाई? बुलविप इफेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक ऐसा इफेक्ट है जिसका मतलब ये बैठता है भाई, सिंपल सी बात है कि एक ऐसा एक सिनेरियो है जहां पे डिमांड के, जो कि रिटेलर के एंड पे है, कंज्यूमर के एंड पर है, उनके डिमांड पे हल्के से चेंज में इफेक्ट आने पर, चेंज आने पर, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, वो सारे ही लोगों के आपको सप्लाई में चेंज आ जाता है। दैट रेफर्स टू बुलविप इफेक्ट। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो कल को आप अपने ही दुकान पे, सामने वाली दुकान पे आप बटर ज़्यादा लेने लगो या ब्रेड ज़्यादा लेने लगो, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप एक के बदले दो ब्रेड लेने लग गए पैकेट, तो आपके जैसे 10-20 और लोग हैं जो कि एक के बदले दो पैकेट लेने लग गए, ठीक है। तो बंदा क्या करेगा भाई, हर कोई जो भी आपको, जो आपके आसपास के किराने स्टोर होते हैं ना, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेड पैकेट्स खरीदते हैं ताकि खराब नहीं जाए या फिर ज़्यादा सप्लाई में नहीं आए उनके पास। तो अब आपने एक के बदले दो खरीदे, ऐसे ही 10 लोग ने और ने एक के बदले दो खरीदे, तो बंदे को क्या लगा भाई कि डिमांड बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो है, तो लोग ज्यादा खरीद रहे ब्रेड। तो उनने क्या किया भाई, उनने अगर वो पहले वो 15 मंगाता था पैकेट दिन के, तो उन्होंने 25 मंगा लिए भाई, ठीक है। अब वो 25 क्या हुआ, रिटेलर को लगा कि भाई कंज्यूमर का डिमांड बढ़ रहा है इसलिए उसने 25 मंगा लिए अपने स्टॉक को और एक्स्ट्रा रखने के लिए ताकि शॉर्ट नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन अब वो जो दुकान जो जिससे वो खरीद रहा था, दुकान वाला वो जिस बंदे से खरीदता है, ठीक है, यानी कि जो होलसेलर, जो एजेंट है, वो से खरीदता है ना, उसने भी देखा कि भाई ये दुकानदार 25 मांग रहा है 15 के पैसे बदले, वो दुकानदार 20 के बदले 30 मांग रहा है, तो लग रहा है डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं भी जो है वो 100 के बदले 150 खरीद लेता हूं ताकि सबको देने के बाद भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक बचा रहे ताकि मैं सप्लाई कर सकूं, ठीक है। उनने क्या किया भाई, उन्होंने भी अपने स्टॉक ज्यादा बढ़ा दिए अपने एंड पर, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को क्या देखा भाई कि पहले ऐसे ऐसे रिटेलर मिला के टोटल मेरे से 100,000 यूनिट्स ले रहे थे, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को 500,000 यूनिट्स बनाने चाहिए ताकि मैं ज्यादा दे सकूं और साथ में ज्यादा स्टॉक बनाने, ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने में मेरे को कॉस्ट भी कमाएगा, ठीक है, ये सोच के मैन्युफैक्चर ने भी ज्यादा बना लिए। तो भाई क्या हुआ, इतने से डिमांड के चेंजेस में जो कि आदमी ने किए थे, जो कि मे बी टेम्पररी हो सकता है, क्या हुआ उसका लीड क्या किया भाई, वो कहां पे लीड किया, तो उसके बदले आपको होलसेलर ने ज्यादा पीसेस मंगाए, आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की। अब दिक्कत है क्या है भाई, अगर ये टेम्पररी, अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, इन लोग के पैसे फंसेंगे, इन लोग को एक जगह रखनी पड़ेगी जहां पर की हो सके उनको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, हो सकता है वो सामान उन्होंने बनाया वो पेरिशेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल उठाया ब्रेड का, तो वो पेरिशेबल आइटम है, उससे क्या होगा भाई, हो सके वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें बुलविप इफेक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स है भाई, अगर वो चीजें सच नहीं हो तो ऐसे ये हैम्पर कर जाती है, ठीक है, ये प्रॉपर मतलब है आपका बुलविप इफेक्ट का, बुलविप इफेक्ट, ठीक है। अब भाई समझते हैं बुलविप इफेक्ट है क्या। द बुलविप इफेक्ट रेफर्स टू अ सिनेरियो इन विच स्मॉल चेंजेस इन डिमांड एट द रिटेल एंड, जैसे हम लोग ने समझा अभी, ऑफ द सप्लाई चेन बिकम एम्पलीफाइड व्हेन मूविंग अप द सप्लाई चेन फ्रॉम रिटेल एंड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड। सिंपल सी बात है, बुलविप इफेक्ट एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि डिमांड में छोटे छोटे चेंजेस से, कहां से, कहां के चेंजेस में, तो रिटेल एंड के, ठीक है, डिमांड आ रहा है रिटेल एंड में, यानी कि जो दुकानदार बैठा है, असली दुकानदार जो कि कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहा है, उसके वहां पर हल्के से डिमांड के चेंजेस में कहां तक इफेक्ट कर गया भाई, रिटेल से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर गया सप्लाई चेन, दैट इज बुलविप इफेक्ट, ठीक है। This happens when a retailer changes how much of a good it orders from wholesalers based on a small change in real or predicted demand for that good. जैसा मैंने समझाया कि यार future हो सकता है कि उसको लगा कि बंदे ज्यादा खरीदेंगे कल भी, परसों भी, एक हफ्ते, एक महीने तक लोग ज्यादा ही खरीदेंगे, उसको ऐसा लगा इसलिए उसने होलसेलर से ज्यादा मांगा, होलसेलर को ऐसा लग रहा है कि भाई रिटेलर का ज्यादा डिमांड आ रहा है, उसने मैन्युफैक्चरर से ज्यादा मांगा, मैन्युफैक्चरर को लगा भाई बहुत सारे होलसेलर ज्यादा मांग रहे हैं, उसने ज्यादा मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। दैट हैपेंस, दैट इज व्हाट इज नोन एज बुलविप इफेक्ट, ठीक है।
अब भाई इसका डेंजर क्या है? द डेंजर ऑफ बुलविप इफेक्ट इज दैट इट एम्पलीफाइज इनएफिशिएंसीज इन द सप्लाई चेन एज ईच स्टेप ऑफ द सप्लाई चेन एस्टिमेट्स डिमांड मोर एंड मोर इनकरेक्टली। यानी कि भाई हर कोई अपने हद से ज्यादा बढ़ाता है। भाई दुकानदार जो रिटेलर है उसने 5 के बदले 15 मंगा लिए, आपको जो होलसेलर है उसने 100 के बदले 200 मंगा लिए, जो मैन्युफैक्चरर उसने 1,00,000 के बदले 500,000 मैन्युफैक्चर कर दिए। तो हर कोई अपनी हद से ज्यादा बढ़ के अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि वो कम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके, ज्यादा ज्यादा पैसे कमा सके, ठीक है। लेकिन होता है क्या है? दिस कैन लीड टू एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी, लॉस रेवेन्यू, डिक्लाइन इन कस्टमर सर्विस, डिलेड शेड्यूल्स एंड इवन लेज ऑफ और बैंक्रप्सीज। यहां तक नौबत आ जाती है भाई कि बैंक्रप्स हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने इतने सामान बना दिए, इतना मैन्युफैक्चर कर लिया कि भाई कोई खरीदने वाला ही नहीं है। उन्हें लगा कि भाई बिकेगा, लेकिन पूरा लॉस हो गया, सारा सामान खराब हो गया। तो इससे क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है एक कंपनी पे, एक बिजनेस पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बुलविप इफेक्ट से, ठीक है। ये होता है आपका बुलविप इफेक्ट, ठीक है। ये प्रॉपर चीज़ है भाई, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप थ्योरी पर्पज से जानना चाह रहे हो तो, ठीक है। एग्जांपल भी आप इसमें पढ़ सकते हो भाई। यही है, सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप आपका जो दुकानदार है वो हल्के से डिमांड में चेंजेस ला रहा है तो उससे पूरे होलसेलर, उससे पूरे मैन्युफैक्चरर तक के आपको सप्लाईज में अफेक्ट आ जाता है भाई उस चीज़ से, ठीक है। अब ये इंडिकेट क्या करता है भाई? अब बुलविप इफेक्ट इंडिकेट दैट अ स्मॉल एरर इन असेसिंग कंज्यूमर डिमांड हैज बीन एम्पलीफाइड थ्रू अ सप्लाई चेन। दिस मींस कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म्स इन अ सप्लाई चेन इज इनपरफेक्ट लीडिंग टू फर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन मिसिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि भाई वो इंडिकेट ये कर रहा है कि एक हल्की सी मिस्टेक से, जो कि एक मिसकम्युनिकेशन है या एक एरर है, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से सप्लाई चेन में अपर मैनेजमेंट पे, यानी कि होलसेलर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है और एक खतरा है कि भाई वो लॉस सह सकते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है भाई। अब प्रिवेंट कैसे करोगे भाई, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स फर्म्स इन अ सप्लाई चेन कैन डू टू प्रिवेंट और एटलीस्ट रिड्यूस द लाइक्लीहुड। खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम से कम तो करेगा आदमी, ठीक है। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे कैन एंश्योर क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशंस बिटवीन कंपनीज अप एंड डाउन द सप्लाई चेन। सिंपल सी बात है भाई, ऊपर और नीचे दोनों ही लेवल पर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करो कि भाई क्या चल रहा है, क्या आपको लग रहा है। अच्छा, दो ही दिन खाली दो ही दिन डिमांड आ रही है ना ऐसी, तो अभी आप ज्यादा सप्लाई, अपने आप ज्यादा डिमांड मत करो, देखो एक हफ्ते तक, एक दो हफ्ते तक देखो कि क्या डिमांड वही आ रही है, तो उसके बाद हम लोग ज्यादा ऑर्डर आपको सप्लाई करेंगे, तब आप ज्यादा माल खरीदो हमसे, ठीक है। तब हम लोग मैन्युफैक्चर को भी बोलेंगे ज्यादा सप्लाई करने को, ठीक है। ये इस चीजों से आप प्रिवेंट हो सकते हो। दिस विल हेल्प अवॉइड टेम्पररी और लोकलाइज शिफ्ट्स इन अ सप्लाई फ्रॉम बींग मिस इंटरप्रेटेड एज ब्रॉडर दैन दे आर। फर्म्स कैन ऑल्सो मेक श्योर टू मेक अ वाइडर व्यू पॉइंट वेन मेकिंग फोरकास्ट फॉर डिमांड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑन एनी टेम्पररी और लिमिटेड शिफ्ट्स। जैसे मैंने बताया भाई, कोई टेम्पररी या लिमिटेड शिफ्ट से अगर आप इस चीज को हटाना चाहते हो भाई, तो कंपनीज को ये चीज करनी पड़ेगी कि भाई वो एक वाइडर व्यू पॉइंट से देखें, जो कि एक फोरकास्ट कर सकते हैं भाई कि क्या ये डिमांड सही में आने वाली है या फिर जस्ट एक अजम्पशन है भाई, ये खाली दो दिन का चांदनी है भाई, कल अंधेरी रात है, खाली ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज करके एक कंपनी प्रिवेंट की कर सकती है, ठीक है। तो यार ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एज अ लीडर आप ये चीजें ना करो। तो यार यही था बस आज की वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी मुझे पर्सनली आकर के मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे ही और कोई इंटरेस्टिंग से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।